नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, वह वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम दो विधियों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जिस विधि से सॉल्व कर रहे हैं उसको आप देख लो। उसने कहा एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। अगर हमारा मूलधन क्या है, पी है। ठीक है, पी अगर हमारा मूलधन है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1/9। यानी पी का जो भी 1/9 होगा वह उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। दूसरा उसने कहा है कि ब्याज की अवधि और वार्षिक दर प्रतिशत ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह किसके बराबर है, वह टाइम के बराबर है। ठीक है, तो इतनी आपने कंडीशन देख ली। अब आपको क्या निकालना है, तो वह वार्षिक दर कितनी है यह आपको बताना है। कैसे आप निकालेंगे, रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। रेट बराबर क्या होता है, एस आई गुणा 100 भागे पी इंटू टी। वैल्यू रख देंगे एस आई की वैल्यू कितनी है, 1/9 पी गुणा 100 भागे पी गुणा टाइम। टाइम और रेट दोनों इक्वल हैं, तो टी की जगह हम आर रख सकते हैं। यहां पी से पी काट दो तो आर बराबर क्या बचेगा, 100/9 और आर। ठीक है, इस आर को हम यहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100/9। अब इसका रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 100 का वर्गमूल होगा 10 और इसका वर्गमूल होगा 3। या इसको भाग लगा देंगे तो 3 × 9 3.33%। ठीक है, तो दोनों आप ले सकते हैं, या तो 10/3 या 3.3%। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। अब आपने देखा कि ऐसे सवाल हैं, तो ऐसे सवालों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको आप देख लीजिए। जब ब्याज मूलधन का कितना भी गुना हो या कितना भी हो और उसकी ब्याज की अवधि और वार्षिक दर प्रतिशत क्या हो, सेम हो, यानी कि बराबर हो, तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां 10 रूट जो भी गुना हुआ है उसका अंडर रूट कर देंगे। बस इस फॉर्मूले को आप लगा लीजिए, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इसी सवाल को हम लगाते हैं तो आर बराबर 10, यहां रूट की जगह क्या आ जाएगा, 1/9, यह बाहर निकल के आएगा तो 10/3 या भाग लगा देंगे 3.33% आता जाएगा। ठीक है, तो इस विधि से भी आप लगा सकते हैं, एक बड़ी ही सिंपल विधि है। आप देख के लगा दीजिए, 10 रूट गुना कर दीजिए, 1/9 था तो 3 बाहर निकल के आएगा, 10/3 3.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी लगाना है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। तो एक यह दूसरा क्वेश्चन है, कैसा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, वह वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर आपको रेट निकालना हो तो 10 रूट गुना कर दीजिए। ठीक है, अब रेट भी निकालना हो या टाइम निकालना हो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो जो रेट होगा उतने ही वर्ष टाइम होगा। ठीक है, तो रेट और टाइम अगर निकालना हो तो 10 रूट गुना कर दीजिए। अब यहां पर 10 गुना कितना हुआ है, 16/25, तो 10 बाहर रहेगा, 16 का रूट होगा 4, इसका होगा 5, 5 से काट दीजिए, 5 × 10 और 4 × 8, तो रेट कितना आ गया, 8%। टाइम पूछता तो टाइम आता 8 वर्ष। ठीक है, तो आप बड़े ही सिंपल तरीके से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं।
ठीक है। लॉन्ग मेथड तो आपको हमने बता ही दी है और यह है आप और याद रख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को आप देखते ही बता देंगे 16/25 का 4/5, 5 से भाग दिया 2, 4 दूनी 8, 8% आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।